श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन बड़े ही सीख देगी आपको जीवन में कि हमारा जो धन है, पैसा तो है ही, लेकिन समय भी एक बहुत बड़ा धन है। तो ना तो किसी का समय नष्ट करो ना कराओ, और आपका जो समय है वो अच्छे कामों में लगाओ, या फिर जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी आप करना चाहते हो, उन चीज़ों में आप समय दो। कहानी पढ़ने को मिली। फ्रैंकलिन अपनी पुस्तकों की दुकान पर बैठे दत्चित होकर कुछ आवश्यक कार्य कर रहे थे। उसी समय एक आदमी वहां पर आया और पुस्तकों को देखता रहा। अंत में बड़ी छानबीन करने पर उसने एक पुस्तक पसंद की और काउंटर पर बैठे कर्मचारी से पूछा कि ये कितने की है। कर्मचारी ने कहा कि ये $1 की है, $1 70-75 रुपए का आज। ग्राहक ने मूल्य कुछ कम करने के लिए कहा, लेकिन दुकानदार तैयार नहीं हुआ। तो उसने काउंटर वाले से पूछा, क्या श्रीमान फ्रैंकलिन इस समय दुकान पर है? ग्राहक ने कहा, हाँ है तो सही, लेकिन वो किसी जरूरी काम में लगे हुए हैं। ग्राहक ने कहा, आप उन्हें थोड़ा बाहर बुला दीजिए। कर्मचारी गया, फ्रैंकलिन को बाहर बुला लाया। ग्राहक ने उनसे कहा, फ्रैंकलिन साहब, कृपया इस किताब की कीमत मुझे बताइए। फ्रैंकलिन ने कहा, $125। ग्राहक को गुस्सा आया, अरे ये क्या बात हुई, बहुत खूब, अभी तो आपके कर्मचारी ने इसका मूल्य $1 बताया है और आप इसकी कीमत अब $125 बता रहे हैं। फ्रैंकलिन बोले, इसका मूल्य तो $1 ही है, लेकिन आपने मुझे बुलवा कर मेरा समय नष्ट किया है, अब इसका मूल्य $125 हो गया है। अब तो ग्राहक बड़ा परेशान हुआ, ये कैसी बात है। फिर बोला, अच्छा बताइए, अब मैं आपको कितने पैसे दूं, इसका वास्तविक मूल्य क्या है, मैं क्या दे दूं आपको? फ्रैंकलिन ने बड़े ही प्यार से शांत स्वभाव से कहा कि $1.5। ग्राहक आश्चर्यचकित हो फिर पूछने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं, अभी तो आपने इसका मूल्य $125 बताया और अब $1.5 कह रहे हैं। फ्रैंकलिन ने कहा, देखिए श्रीमान, मेरे लिए समय का मूल्य बहुत अधिक है, क्योंकि मैं इसका मूल्य जानता हूं, और आप मेरा जितना समय नष्ट करते जाएंगे, पुस्तक का मूल्य उतना ही बढ़ता जाएगा, इस बात पर विचार कर लीजिए। अभी यह बात सुनकर ग्राहक बड़ा ही लज्जित हुआ। उसको पुस्तक की आवश्यकता थी, वह जानता था कि और किसी विक्रेता के पास यह पुस्तक नहीं मिलेगी, इसलिए उसने $1.5 मूल्य चुकाया। तो कहने का अभिप्राय, समय का मूल्य बहुत कम लोग आंकते हैं। जो आंकते हैं वे जीवन में सफल रहते हैं, जो समय बर्बाद करते हैं, समझिए वे अपना जीवन ही नष्ट कर रहे हैं। तो ये कहानी तो छोटी सी है, लेकिन बड़ी प्यारी सीख दी है कि अपने समय को इतना बर्बाद मत होने दीजिए। कुछ काम है, हंसी मजाक है, दोस्तों के साथ हैं, कुछ जरूरी है वो काम करने चाहिए, लेकिन अपना ज़्यादातर समय बर्बाद मत कीजिए। समय ही धन है, टाइम इज मनी। तो ये कहानी मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किससे प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। श्री राधे।